हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिर चैनल। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं फिजिकल एजुकेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी हो, उन सभी में पूछे गए क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज प्रश्न हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एंड दोस्तों, यदि आप इन सभी एग्जाम्स की सिलेबस के अनुसार तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग पड़े हुए हैं। उन सब वीडियो को वॉच करके आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। एंड दोस्तों, डेली बेसिस पे एमसीक्यू देखना मत भूलिए। एंड दोस्तों, यह सीरीज नंबर 29 है। दोस्तों चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भारत सरकार ने किसकी सहायता से शुरू किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ। यूनिसेफ के द्वारा भारत सरकार ने अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के भोजन में सबसे अधिक मात्रा होनी चाहिए किस चीज की होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज पदार्थों, विटामिन, किसकी होनी चाहिए? इसका सही जवाब है प्रोटीन। प्रोटीन दोस्तों हमारे कोशिकाओं, हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है और इसलिए छोटे बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए छोटे बच्चों में वयस्कों से ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की बुनियादी रचना किससे होती है? दोस्तों अमीनो एसिड से। और प्रोटीन जो है किससे बना होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन और सल्फर से। जबकि कार्बोहाइड्रेट वसा किससे बना होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के मिश्रण से बना होता है। बट एक नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो प्रोटीन में पाया जाता है, जिसके चलते यह एक अलग पदार्थ बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति की लंबाई मापन का उपकरण है, किससे मापा जाता है व्यक्ति की लंबाई? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, स्टेडियोमीटर से। किससे मापा जाता है? स्टेडियोमीटर से। यह दोस्तों शरीर की लंबाई या ऊंचाई मापने का यंत्र है। यह यंत्र एक सीधा खड़ा रूलर या पैमाना तथा एक फिसलने वाले रॉड या बोर्ड से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मनुष्य की ऊंचाई मापी जाती है? तो इसका भी सही आंसर होगा स्टेडियोमीटर, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों शरीर की लंबाई पूछे या ऊंचाई पूछे, दोनों आपका होगा स्टेडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण के दौरान क्लाइंट द्वारा उत्पन्न पिक फोर्स का प्रत्यक्ष माप लेता है? ऑप्शन है ग्रिप डायनेमोमीटर, सिट एंड रीच प्रशिक्षण, स्टॉर्क स्टैंड प्रशिक्षण, स्फिग्नोमैनोमीटर। यहां पे क्या पूछा है दोस्तों, कौन सा प्रशिक्षण के दौरान क्लाइंट द्वारा उत्पन्न पिक फोर्स का प्रत्यक्ष माप लेता है? तो फोर्स यानी ताकत यानी बल का मापन कौन करता है? तो डायनेमोमीटर करता है। यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रिप डायनेमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की इकाइयों को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है? तो व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की इकाइयों को मापने के लिए उपयोग क्या किया जाता है? इसका सही जवाब है एर्गोमीटर। एर्गोमीटर द्वारा व्यक्ति के कार्यों को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह उपकरण इस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है और एर्गोमीटर को व्यायाम मशीन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी सूचक है, यानी ईसीजी किसका सूचक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ई से इलेक्ट्रो, सी से कार्डियो, जी से ग्राम, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है,
ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का सूचक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा कार्डियोग्राम हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है ईसीजी, जबकि एक होता है ईईजी जो मस्तिष्क से संबंधित विषमताओं का पता लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृष्ठ शूल यानी बैक आर्च एक प्रकार का विकार होता है कंधों का कि माथे का कि उदर क्षेत्र का कि कटी क्षेत्र का, तो ये होता है दोस्तों कटी क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल कूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है, मांसपेशी का कि शरीर बनावट का कि हड्डी का कि सीजी का। दोस्तों जहां भी हमारे शरीर में फोर्स की बात आए, शक्ति प्रयोग की बात आए, तो वहां हमेशा मांसपेशी ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, मांसपेशी का सिद्धांत लागू होता है शक्ति प्रयोग में। मांसपेशी ये क्या करता है कि खेलकूद में हृदय फेफड़ों तथा शरीर के पेशियों का प्रदर्शन इसमें सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठंडी एवं गर्म जल को बारी बारी से शारीरिक चोट पर उपयोग करने को कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले वीडियोज में बहुत बार हो चुका है कि ठंडा एवं गर्म जल को बारी बारी से शारीरिक चोट पर उपयोग करने को क्या कहते हैं, इसका सही जवाब है कंट्रास्ट बाथ। ठंडे एवं गर्म जल को बारी बारी से शारीरिक चोट पर उपयोग करने को कंट्रास्ट बाथ कहते हैं। एंड दोस्तों बर्फ द्वारा उपचार को क्रायोथेरेपी बोला जाता है, जो मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उपचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूजन कम होती है किसके द्वारा, सोना बाद से कि वर्लपुल बाद से कि कंट्रास्ट बाद से कि उपयुक्त सभी से। सूजन कम करने के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कंट्रास्ट बाथ का प्रयोग किया जाता है। सूजन अधिक होने पर 10 अथवा 15 घंटों के अंदर अंतर पर गर्म पानी की बोतल की शिकायत लाभदायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी निद्रा के लिए भारी व्यायाम अच्छा है, इसमें क्या होगा दोस्तों, हाँ नहीं कभी भी, कभी 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 नहीं, तो क्या अच्छी निद्रा के लिए भारी व्यायाम अच्छा है, नहीं दोस्तों, ओवरलोड कभी भी अच्छा नहीं होता, आप ये जान लीजिए, इसलिए यहाँ ऑप्शन होगा नहीं, अच्छी निद्रा के लिए आपका भारी व्यायाम अच्छा नहीं होगा, उसके लिए हल्का व्यायाम या नियमित रूप से व्यायाम, टहलना, अच्छी दिनचर्या आदि लाभदायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचलन यानी मोमेंट का शीघ्र पुनरावृत्ति है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन है फिटनेस, स्मार्टनेस, बॉल बल, गतिवेग। संचलन यानी मूवमेंट दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है फिटनेस, क्योंकि फिटनेस होगा तो फिटनेस में सभी चीजें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखों की चोट हम देखते हैं विशेषकर किसमें, मनोरंजक खेलों में कि तैराकी में कि स्पर्श होने वाले खेल में कि ट्रैक एंड फील्ड में, तो जाहिर सी बात है इसमें ऑप्शन नंबर सी स्पर्श होने वाले खेल में देखा जा सकता है आंखों की चोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मालिश क्या है, व्यायाम है कि शौक है कि आदत है कि वैज्ञानिक कला और हस्त कौशल विधि है, तो दोस्तों ये मालिश जो है, मैं पिछले वीडियो में मालिश के बारे में सभी वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो मालिश क्या है, एक वैज्ञानिक कला और हस्त कौशल विधि है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। दोस्तों मालिश शब्द की व्युत्पत्ति संभवतः हिब्रू भाषा से, हिब्रू भाषा के शब्द मस्केसल से हुआ है जिसका अर्थ होता है गूथना। फ्रेंच भाषा में शब्द है मासर जिसका अर्थ होता है रगड़ना। यह एक हस्त कौशल एवं वैज्ञानिक कला है, हाथों के द्वारा वैज्ञानिक तरीकों से की गई मालिश पेट की असामान्य दशा के उपचार में बहुत उपयोगी होती है। प्राथमिक तौर पर यह जोड़ों, मांसपेशियों, तंत्रिका तंत्र से संबंधित अंगों पर असर डालती है एवं इसके द्वारा यह संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल से पहले की मॉलिश प्रतियोगिता से कितने घंटे पहले दी जाती है? दोस्तों ऐसे तो 30 मिनट से 2 घंटे पूर्व दी जाती है, बट यहाँ पे वो ऑप्शन तो दिया नहीं है, इसलिए सबसे निकटतम ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 से 3 घंटे। ठीक है, 1 से 3 घंटे ये करेक्ट हो जाएगा। और वास्तविकता में कितना दिया जाता है, कितना घंटे पहले? 30 मिनट से 2 घंटे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति सुरक्षा के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करता है तो वह ज्ञान उसको किसके लिए योग्य बना देता है? यदि कोई सुरक्षा के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करता है तो उस किसके लिए योग्य बनाता है? भविष्य में आने वाली दुर्घटना घटने से बचने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, दुर्घटना घटने से रोकने के लिए योग्य बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका उखड़ा जो यानी डिसलोकेशन हम देख सकते हैं, जैसा कि दोस्तों डिसलोकेशन यानी अस्थि का खिसक के एक स्थान से हट जाना, अपने स्थान से हट जाना, वही डिसलोकेशन होता है। ये अक्सर हमारे कंधों और कुल्हों में होता है, तो इसका उखड़ा जो हम देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, तो कंधे का डिसलोकेशन हम अच्छे से देख सकते हैं। यानी दोस्तों जब शरीर का कोई हिस्सा अपने सामान्य स्थान से हट जाता है तो उसे डिसलोकेशन कहते हैं, और जब हड्डियां डिसलोकेट हो जाती हैं तो जोड़ों पर वह ठीक प्रकार से नहीं मिलती हैं, जिससे दर्द और सूजन होती है। कई बार हड्डियों की डिसलोकेशन कम होती है, यानी कि पूरी तरह से अलग नहीं होता, खिसक जाता है, तो उसे अपूर्ण डिसलोकेशन कहते हैं। जब पूरी तरह से निकल जाती है बाहर तो उसे हम पूर्ण डिसलोकेशन कहते हैं। दोस्तों यह हमारे जो सॉकेट होता है जिससे कि ज्वारा हमारा कंधा स्केपुला एंड इधर से ह्यूमरस हड्डी जुड़ी होती है, वो अपने स्थान से खिसक जाती है, उस गर्डल से और उस सॉकेट से निकल जाती है, उसी को डिसलोकेशन कहते हैं। यह ज्यादातर जोड़ों पर होता है, जैसे घुटना, कलाई, कंधा, टखना एंड हिप जॉइंट्स, यहाँ पे ज्यादातर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ियों की चोट एक कठोर उत्तक चोट है? दोस्तों मुलायम उत्तकों की चोटें जैसे कि हमारे मांसपेशी, टेंडन, लिगामेंट्स की चोटें होती है, जबकि कठोर उत्तक की चोटें हड्डियों की चोटें ज्यादातर होती हैं। तो इसमें क्या है कि कौन सी खिलाड़ियों की चोट एक कठोर उत्तक चोट है? खिंचाव, कोहनी, मोच, कंधे का विस्थापन। तो खिंचाव, कोहनी, मोच, ये तो मुलायम उत्तकों की चोट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, कंधे का विस्थापन या जोड़ का विस्थापन अचानक झटके या कठोर सतह पर गिरने से होता है। इस चोट में ह्यूमरस का सिरा सॉकेट से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें किसी जोड़ में अस्थि के छोर को इसके सामान्य स्थान से हटने के लिए बाध्य होना पड़ता है, वह स्थिति जिसमें किसी जोड़ में अस्थि के छोर को इसके सामान्य स्थान से हटाने के लिए बाध्य होना पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? दोस्तों विस्थापन यानी संधि च्युति यानी कि डिसलोकेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। ये कंधे कुल्हे के जोड़ में ज्यादातर सबसे ज्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल खिलाड़ियों को लगने वाली बर्नर चोट को सामान्यतः नाम से जाना जाता है? फुटबॉल खिलाड़ी में बर्नर चोट लगता है तो उसके किस नाम से जाना जाता है? ब्रसाइटिस, स्ट्रेन, क्रैम्प, स्टिंगर। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है स्टिंगर के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल खिलाड़ियों को लगने वाली बर्नर चोट को सामान्यतः स्टिंगर नाम से जाना जाता है, और इसके साथ साथ रग्बी, हॉकी, कुश्ती, एथलेटिक्स के खिलाड़ियों को भी बर्नर चोट लगने का खतरा बना रहता है। बर्नर चोट जो होता है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। बर्नर चोट किससे संबंधित रहता है? तंत्रिका तंत्र से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित रहता है, जिससे कंधे,
बाह, हाथ व उंगलियों की मांसपेशियां विशेष रूप से प्रभावित होती हैं। ठीक है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप के काटने पर क्या किया जाता है? तो इसका सही जवाब है बैंडेज का उपयोग सबसे पहले हम करेंगे। ठीक है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल जाने पर आप क्या करेंगे? दोस्तों इसका सही जवाब है, ऑप्शन है कंबल से ढक देंगे, नीचे लेट जाएंगे, अधिक जल का उपयोग करेंगे, कपड़े उतार देंगे। तो दोस्तों ये सभी ऑप्शन में से ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। कंबल से ढक देना, नीचे लेट जाएंगे, अधिक जल का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा कोई अच्छा दिख सकता है, अच्छा अनुभव कर सकता है और लंबा जीवन जी सकता है? किसके द्वारा? नियमित व्यायाम से, कि डॉक्टर के पास नियमित रूप से जाने से, कि नियमित रूप से दवा खाने से, कि अपने अनुकूल रहने के लिए मशीन पर विश्वास करने से? तो इसका सही जवाब तो आसानी से निकल जा रहा है दोस्तों, इसका सही जवाब है नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज व्यक्ति की शारीरिक व सुयोग्यता को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारक है। अर्थात इसके अनुपालन द्वारा व्यक्ति अच्छा दिख सकता है, अनुभव कर सकता है अच्छा, और लंबा जीवन भी जी सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। एंड दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।